हेलो यार गाइस, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राज फिटनेस पर। तो भाई मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप साइड कोर के एब्स कैसे बना सकते हो। भाई बहुत लोग सिक्स पैक बना लेते हैं बट उनके कोर के एब्स नहीं होते हैं, तो उनके एब्स उतने अच्छे और गुड लुकिंग नहीं दिखते हैं। तो भाई मैं आज आपको बताऊँगा कि आप कोर के एब्स कैसे बना सकते हो। सिर्फ 5 एक्सरसाइज बताऊँगा और आपको डेली हफ्ते में 2 से 3 दिन करना है, आपके कोर के एब्स बहुत जल्दी आएंगे भाई। तो वीडियो को लास्ट तक देखना भाई, मैं आपको 5 एक्सरसाइज बताऊँगा, ट्राई करना, उसके बाद अपने भाई को कमेंट करना कि कैसी लगी वीडियो। तो भाई वीडियो लास्ट तक देखना, चलो शुरू करते हैं। तो गाइस आपकी पहली एक्सरसाइज है, आपको सीधा लेट जाना है और आपको अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को टच करना है इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, इसके आपके साइड के मसल्स कम होंगे। तो बस आपको ये ट्राई करना है और थोड़ा अपने बॉडी को स्ट्रेच करना है ताकि आपका बैलेंस आपके साइड पर मसल्स पर जाए। तो इस तरीके से आप अगर थोड़ा सा स्ट्रेस करेंगे तो और ज़्यादा आप इस पर बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये पहली एक्सरसाइज है, आपको इस पर फोकस करना है। देन आपको दूसरी एक्सरसाइज बताते हैं, अगर करना है आपको पैर को अपने सीधा करना है और अपने साइड के मसल्स को स्ट्रेच करना है। आपका पूरा फोकस आपके साइड के मसल्स पर होना चाहिए। और स्लोली स्लोली करना है, बहुत फास्ट नहीं करना है। आपको इसकी कम से कम 20 से 25 रैप्स रखने हैं। तो आपकी तीसरी एक्सरसाइज बता दो। तो आपकी तीसरी एक्सरसाइज है, आपको क्या करना है, आपको वन बैलेंस लेट जाना है और अपने पैरों को मोड़ना है और अपने इस पार्ट्स पे स्ट्रेच करना है। बैलेंस के तरीके से आप स्ट्रेच करोगे तो इस मसल्स पे बैलेंस जाएगा और ये मसल्स कम होंगे। इसके भी आपके 20 से 25 रैप्स रखने हैं। और सबसे ज़रूरी, आपको बहुत फास्ट नहीं करना है, आपको इस पर स्ट्रेच करना है और सिंपली तरीके से इस पर स्ट्रेच करते रहना है। तो इस चीज़ को आपको दोनों साइड करना है, ना कि एक तरफ। इस तरफ से भी आपको क्या करना है, इस तरफ से जाना है और स्ट्रेच करना है। तो इस तरीके से स्ट्रेच करना है। ये आपकी होगी तीसरी एक्सरसाइज। आपको चौथी एक्सरसाइज बताते हैं, आप ये करना है, आपको सिर्फ सिंपली तरीके से अपने दोनों पैरों को ऊपर करना है और इस तरीके से पुश करना है। तो बैलेंस रखिएगा कि ये आपकी साइड मसल्स पर इफेक्ट करे और स्लोली तरीके से करना है, बहुत फास्ट नहीं और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो। तो इसको भी आपको ट्राई करते रहना है। तो ये हो गई आपकी चौथी एक्सरसाइज। आप इस एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। आपको बताता हूँ पांचवी एक्सरसाइज, तो सबसे इफेक्टिव है। आप क्या करना है, आपको हाथ के बल दोनों पैरों को उठा लेना है और इस तरीके से प्रेस करना है, नीचे ले जाना है और ऊपर की तरफ इस तरीके को प्रेस करना है ताकि पूरा बैलेंस आपका इस मसल्स पर जाए। आपको सिंपली तरीके से बस नीचे जाना है, ऊपर की तरफ प्रेस, नीचे जाना है, ऊपर की तरफ प्रेस। और इस चीज़ को आपको दोनों साइड करना है, ना कि सिर्फ एक साइड। मैं आपको दिखाता हूँ, बस गए नीचे, अब नीचे नीचे। तो ये 5 एक्सरसाइज आपके लिए सबसे बेस्ट होंगी।
भाई ट्राई करना और अपने भाई को बताना कैसा लगा, और जो भी कमियाँ होंगी भाई अपने भाई को कमेंट करना, आपका भाई सुधारने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपका भाई कोई ट्रेनर नहीं है, जो खुद पे अप्लाई करता है सिर्फ वही आपको सजेस्ट करता है, क्योंकि जो खुद पे अप्लाई करता है और उसे प्रॉब्लम नहीं होती है वो सिर्फ आपको बताएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने भाई को कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने भाई को सपोर्ट करना। जय हिंद भाई।